ये कहानी मैं सूरज नाम के लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। जब मैं 21 साल का था तब मैं अपने दोस्त के साथ एक दिन एक बार में गया। हम दोनों उधर ऐसे ही टिपिकल सी बातें कर रहे थे तभी एक श्रुति नाम की लड़की ने हमें अप्रोच किया। मैं कंफ्यूज था कि आखिर ये किस में इंटरेस्टेड है, मुझ में या मेरे दोस्त में। एंड पता नहीं क्यों श्रुति ने हम दोनों को ही फ्री में ड्रिंक्स भी दी। अब हमें फ्री में शराब मिल रही थी तो हमने तो पी ली। मैंने तो थोड़ी सी ही शराब पी थी लेकिन मेरे दोस्त ने तो दबा के पी थी और इस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा नशे में आ गया था। मेरा दोस्त उस समय इतने ज़्यादा नशे में था कि वो ढंग से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। तभी श्रुति मेरे दोस्त को अपने घर पे ले जाने के लिए कहने लगी लेकिन मैंने उसे कहा कि उसे अपने घर पे मत ले जाओ क्योंकि वो अभी काफ़ी ज़्यादा नशे में है, उसे रात का कुछ भी याद नहीं रहेगा और सुबह वो किसी और के घर में उठेगा तो वो काफ़ी ज़्यादा डर जाएगा। लेकिन श्रुति बार बार उसे अपने घर पे ले जाने के लिए मुझसे कहने लगी। मेरा दोस्त तो फुल ऑन टल्ली हुआ हुआ था तो उसे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। लेकिन तभी श्रुति ने मेरी तरफ देखा और फिर वो मेरे पास आई और फिर उसने मुझे उसके घर पे इनवाइट किया। वेल, मैं उस समय नशे में नहीं था बट हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था, बट स्टिल मैं श्रुति के साथ उसके घर पे चलने के लिए मान गया। मैंने अपने दोस्त के लिए एक टैक्सी बुक कर दी और उसके बाद मैं श्रुति के घर पे जाने लगा। लेकिन उस समय मुझे थोड़ा सा तो अजीब फील हो रहा था। अब मैं उस फीलिंग को अपने शब्दों में बयां नहीं कर सकता। उसके बाद श्रुति मुझसे कुछ तो बात करने लगी लेकिन मुझे कुछ भी ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा थका हुआ था और ऊपर से मैंने शराब भी पी हुई थी। मैं बस उसकी बातों में हाँ मिलाए जा रहा था। तभी श्रुति ने मुझसे कहा कि क्या तुम्हें कोई जूस पीना है। वेल, श्रुति को बुरा ना लगे तो इसलिए मैंने उसे कह दिया कि हाँ मैं कोई एप्पल जूस पी लूँगा। तो वो पास की कुछ दुकान से कुछ जूसेस खरीद के ले आई लेकिन वो काफ़ी सारे जूस के बोतल लाई थी। मुझे लगा कि वो भी जूस पिएगी लेकिन उसने तो थोड़ा सा भी जूस नहीं पिया और उसने वो सारी की सारी बोतल मुझे ही दे दी। भले मैं नशे में था लेकिन फिर भी मुझे कुछ तो सस्पिशियस लग रहा था तो इसलिए मैंने जूस पीने का नाटक किया और बोतल को बाहर फेंक दिया। फिर ऐसे ही मैंने एक दो और बोतल्स के साथ किया। फिर श्रुति ने मुझसे पूछा कि क्या तुमने सारा जूस पी लिया। मैंने उसे कह दिया कि हाँ। उसके बाद उसने अपने घर के बाहर अपनी गाड़ी रोकी एंड देन वो मुझे ले के उसके घर के अंदर चली गई। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उसने अपना दरवाज़ा भी बंद कर दिया था और उसमें चेन भी लगा दी थी। वेल, मैंने उसे कहा कि मैं ज़रा वॉशरूम से होके आता हूँ। उसने कहा ठीक है। उसके बाद मैं उसके वॉशरूम में चला गया लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ पे आके मुझे कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। मुझे अपनी बॉडी में कुछ तो अजीब सा फील हो रहा था इसलिए मैंने अपने मुँह में उंगली डाली और उसके बाद उल्टी कर दी ताकि मैंने जो भी जूस पिया था वो सब बाहर निकल जाए। उसके बाद मैंने मुँह धोया और अब मुझे थोड़ा सा रिलीफ फील हो रहा था। शायद मैंने जो कार में जूस पिया था उसकी वजह से मुझे ऐसा लग रहा था। खैर, तभी मैंने बाथरूम के बाहर किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनी। मैं गेट के पास गया और कान लगा के कुछ तो सुनने लगा। मुझे अच्छे से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि श्रुति किसी और से बात कर रही है। मैं बाथरूम से बाहर निकला, बाहर अंधेरा था। तभी मैंने श्रुति को एक रूम में जाते हुए देखा बट पता नहीं क्यों मुझे उसकी हाइट में कुछ तो डिफरेंस लग रहा था। वो उस रूम की तरफ जा रही थी तो मैंने उसे पीछे से बुलाया। मैंने उसे कहा हे तुम कहाँ पे जा रही हो। तभी वो मेरे पास आई और उसने मुझसे कुछ तो कहा लेकिन तभी मैंने कुछ रियलाइज़ किया। मैंने देखा कि ये श्रुति नहीं थी, इसके बस बाल श्रुति जैसे थे और इसका चेहरा अलग था लेकिन इसकी शक्ल उससे मिल रही थी पर हाँ वो नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि उसने जस्ट बालों की एक विग पहनी हुई है। मेरी हार्ट बीट उस समय काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई थी बट स्टिल मैंने ऐसा शो किया जैसे कि मैंने इन सब चीज़ों को नोटिस ही नहीं किया है। तभी वो लड़की जो भी थी वो मुझे कहने लगी कि जल्दी से रूम में चलो बट मैंने उसे कहा कि क्या मैं एक बार और वॉशरूम यूज़ कर लूँ। उसने कहा ठीक है तो मैं जल्दी से वॉशरूम में चला गया। मैंने दरवाजे को लॉक कर लिया। मैं बाहर से दो लड़कियों और एक लड़के की बातें करने की आवाज़ें सुन सकता था और अब मैं समझ गया कि यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है। उस बाथरूम में एक विंडो थी तो मैं उससे बाहर निकल गया और मैं पूरी जान लगा के वहाँ से भागने लगा। मैं उधर से काफ़ी देर तक भागता रहा जब तक कि मैं उस घर से काफ़ी दूर नहीं आ गया। मैं उस समय काफ़ी ज़रा डरा हुआ था। मैंने जल्दी से पुलिस को फ़ोन कर दिया, एक टैक्सी ली और मैं वहाँ से चला गया। पुलिस को श्रुति और वो लड़की और साथ में उनके साथ जो लड़का था जिसकी मैंने आवाज़ सुनी थी उनमें से कोई भी नहीं मिला। बट मैं आज भी सोचता हूँ कि अगर मैंने ज़्यादा ड्रिंक कर ली होती और अगर मैं श्रुति के साथ या फिर उस लड़की के साथ उस रूम में चले जाता तो मेरे साथ क्या होता। ये घटना मेरे साथ करीब 5 महीने पहले हुई थी। वो हेलोवीन का सीजन था। मैं उस समय अमेरिका में रहता था।
मेरा घर एक थोड़े से कट ऑफ एरिया में था, यानी कि उधर आसपास में ज़्यादा कोई नेबर्स नहीं थे। अब जैसा कि मैंने बताया कि वो हैलोवीन का दिन था, तो इसलिए मैं अपने रूम में बैठा हुआ था और मैं कुछ स्केरी मूवीज़ देख रहा था। तभी मेरे घर पे किसी ने तो नॉक किया। मुझे लगा ये बच्चे होंगे जो कि कैंडीज़ मांगने के लिए मेरे घर पे नॉक कर रहे हैं। वेल, मुझे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। मैं अपने सोफे से उठा एंड देन अपने दरवाजे के पास जाने लगा, लेकिन उससे पहले मैंने विंडो से बाहर देखा। मैंने देखा कि बाहर तो कोई भी नहीं था। नाउ डैट वॉज अ बिट स्ट्रेंज, लेकिन स्टिल मैंने इसे इग्नोर किया। मुझे लगा क्या पता बच्चे सिर्फ मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। तभी मुझे फिर से नॉक नॉक की आवाज़ आई, लेकिन इस बार वो दरवाजे को सिर्फ खटखटा नहीं रहे थे बल्कि उस पर बैंगिंग कर रहे थे। ये काफ़ी ज़्यादा इरिटेटिंग था और इससे मेरा दिमाग ख़राब हो रहा था। मैं जल्दी से उठा और दरवाजे के पास गया। मैंने उसे खोला लेकिन बाहर कोई भी नहीं था। मैंने अपनी फ्लैशलाइट ली और उसके बाद मैं बाहर छानबीन के लिए चला गया, लेकिन मुझे बाहर भी कोई भी नहीं मिला। अब मैं कुछ कर तो सकता था नहीं सिवाय अपने घर के अंदर वापस जाने के, और मैंने बिल्कुल वैसा ही किया। मैंने सोचा कि क्या पता इन बच्चों को मैं जितना ज़्यादा अटेंशन दूँ उतना ही ज़्यादा ये लोग मुझे परेशान करें, या फिर ये भी हो सकता था कि ये लोग YouTube पे कोई प्रैंक वीडियो बना रहे हों और इन्हें मेरा रिएक्शन चाहिए हो। लेकिन ऑफ कोर्स मैं इन्हें कोई भी रिएक्शन नहीं देने वाला था। मैं अपने रूम के अंदर चला गया, दरवाज़ा बंद किया और फुल वॉल्यूम पे एक मूवी देखने लगा। मैं उस मूवी को देख रहा था लेकिन स्टिल मुझे फिर से दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज़ आई। लेकिन मैंने तो पहले ही डिसाइड कर लिया था कि इन्हें एकदम इग्नोर करना है। उसके करीब आधे घंटे बाद मैं मूवी देखते देखते ही सोफे पे सो गया। कुछ देर बाद मेरी आंख खुली किसी आवाज़ की वजह से। ऐसा लगा जैसे कि दरवाजे पे कोई तो खटखटा रहा है। मैंने जल्दी से टेबल पे रखा रिमोट उठाया और उसके बाद अपने रूम में चलता हुआ टीवी को बंद कर दिया। उसके बाद मैं ध्यान से आवाज़ को सुनने लगा और मुझे फिर से दरवाजे पे किसी के खटखटाने की आवाज़ आई, लेकिन इस बार ये आवाज़ मेरे घर के डोर से नहीं बल्कि मेरे रूम के डोर से आ रही थी। कोई मेरे घर के अंदर घुस चुका था और वो मेरे रूम के दरवाजे पे बैंगिंग कर रहा था। मैं उस समय काफ़ी ज़रा डर गया। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए। ये कोई बच्चे नहीं थे, ये कोई और ही लोग थे। उस रूम में मेरे लिए कोई भी वेपन भी नहीं था जिसको मैं अपने सेल्फ डिफेंस के लिए यूज़ कर सकूँ। लेकिन तभी पता नहीं कहां से मेरे दिमाग में एक बहुत ही मस्त सा आइडिया आया। मैंने अपना फ़ोन निकाला और उसे ब्लूटूथ के स्पीकर से कनेक्ट कर दिया। उसके बाद मैंने यूट्यूब खोला, फिर सर्च किया गन शॉट साउंड इफेक्ट और मैंने उसे एक बार प्ले किया। वो स्पीकर से कनेक्ट था तो उसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा तेज़ आई और वो एकदम रियल गन शॉट की तरह लग रही थी। मैंने उन लोगों से कहा कि ये तो सिर्फ वार्निंग के लिए एक गन शॉट था, अगर तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो अगली गोली मैं सीधे तुम्हारे सर पे मारूंगा। एंड थैंकफुली इट वर्कड, वो लोग वहाँ से चले गए। मुझे उनके फुटस्टेप्स की दूर जाने की आवाज़ आई, फिर मैंने दरवाज़ा खोला। मैंने देखा कि मेरे घर का दरवाजे का लॉक टूटा हुआ था। इसके बाद मैंने पुलिस को फ़ोन कर दिया और मैं अक्सर अब अपने पास एक बंदूक रखता हूँ। तो जैसा कि मैंने पिछले कम्युनिटी पोस्ट में पूछा था एक मूवी का नाम, एंड उस मूवी का सही नाम काफ़ी सारे लोगों ने बताया, तो जिन जिन ने उस मूवी का सही नाम बताया था उनके कमेंट्स ये रहे।